तो मैं अरविंद पांडे आज आपके सामने एक और नई वीडियो साथ पेश हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा जो दिल्ली की जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है और जो कोरोना के जो केसेस है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। कंट्रोल कैसे करे दिल्ली गवर्नमेंट, कंट्रोल कैसे करे ये सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनके हाथ में है। वो चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। वो चाहे तो लॉकडाउन लगा सकते एक दो हफ्ते के लिए जिससे कट ऑफ हो जाए, हाई स्पीड रुक जाए, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे हैं। खैर ये उनकी वो है, अपना जो करना हो करें या ना करें, जो कर जो चाहे वो करें। अब बात करते हैं इस कोरोना पीरियड में कुछ इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ को फायदा हो रहा है। जैसे कई सारे इंडस्ट्री जहाँ पे मतलब इकोनॉमी एकदम इंडस्ट्री एकदम चरमरा गई है और जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो सबकी लगभग खराब हो गई इस समय। लेकिन जो कुछ सेक्टर है जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली के, उनको बड़ी खुशखबरी आ गई है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा मार्च में लगभग स्कूल सारे बंद हुए बच्चों के जो 8 स्टैंडर्ड से नीचे के, और उसके बाद में मार्च में छुट्टी, अप्रैल मई जून जुलाई आने वाला है, जून तक छुट्टी। लेकिन ये जो छुट्टी हुई है इसके बीच में भी सारी वो फीसेस लेंगे और जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो फीस देनी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ क्यों देनी पड़ेगी जब उन्होंने पढ़ाई करी नहीं, कुछ करी नहीं, कुछ ना कुछ सीखा ना कुछ किया, तो फिर किस बात की वजह। इस रेफरेंस में क्या हमारे केजरीवाल साहब हैं कुछ कर सकते हैं? अगर कुछ कर सकते हैं तो करिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली के, सबके जो फीस मनमानी फीस ले रहे हैं, गार्जियन को जो परेशान कर रहे हैं उनको रोकिए। ये आगे केसेस कब तक जाएंगे कोरोना ये कुछ पता नहीं है, न जुलाई का पता है कि जुलाई में कंट्रोल हो पाएगा, न आगे अगस्त का। लेकिन आप कम से कम ये जो एक तरीके से ये जो पैसे की जो मार मार रहे हैं ना गार्जियन के ऊपर, ये बहुत बड़े गलत काम कर रहे हैं, एक तरीके से क्राइम कर रहे हैं। तो हमारे केजरीवाल साहब अब प्लीज इनको कुछ एक्शन लीजिए ताकि इन लोगों को कुछ रोक सके। कम से कम ये तो माफ तो कर सकते हैं अप्रैल की मई की जून की जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन वो करेगा नहीं, नहीं पैसा पूरा चाहिए मेरे को। ये कई स्कूलों का मैंने देखा, कई जगह देख, कई मैंने दोस्तों से बात कर रहा है, कई ये सुनने को आ रहा है लगभग पूरे दिल्ली में, वो मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। उनको मतलब नहीं कि आपके बच्चों को क्या हो, अगर मान लो खोल भी जाए स्कूल तो उनको कोरोना या क्या हो कैसा हो, मतलब उनको कोई जीने मरने मतलब, उनको केवल मतलब है पैसे से, पैसे बनाने से। तो ये खाली बस यही एक इंडस्ट्री जो स्कूल की इंडस्ट्री ये चल रही है और ये आगे बढ़ती रहेगी। तो हमारे माननीय केजरीवाल साहब आप इस रेफरेंस में कुछ करिए, और दिल्ली के आप सीएम है और हमारे जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया साहब, आप भी कुछ करिए इस रेफरेंस में। आप कुछ कर सकते हो तो करिए, इनको रोकिए कम से कम अप्रैल मई के तो कम से कम छोड़ दें फीस। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करिए और अगर ना लगा हो तो भी कोई बात नहीं। धन्यवाद दोस्तों।